तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितेश बांका, आप हैं मेरी यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि एक मेरा ही केस, मतलब मेरे क्लाइंट का केस था, जिसमें मैंने ये चीज़ प्रूव कर दी कि वाइफ जो है वर्किंग हो सकती है, वर्किंग जो है कार्यरत है, और कम से कम 25,000 से 30,000 जो मेंटेनेंस का अमाउंट है वो कम हो गया। अब ये आप सोच सकते हैं कि मेंटेनेंस कितनी रही होगी इस केस में, कि 25,000 से 30,000 तो सिर्फ कम हुआ है मेंटेनेंस का अमाउंट। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि क्लाइंट मेरा काफ़ी अच्छी तरह अर्न करता था, बहुत अच्छा अर्न करता था, और दूसरी चीज़ ये थी कि वाइफ साइड जो है उसका वाइफ साइड अर्निंग नहीं थी और वाइफ साइड का बच्चा भी था। तो नॉर्मली हम ऐसे केसेस में कहते हैं कि 50 से 60% जो आपकी सैलरी है वो मेंटेनेंस में चली जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ 30% सैलरी मेंटेनेंस में गई, इंस्टेड की 50 से 60% जो कि जानी चाहिए थी। अब ये हुआ कैसे, कैसे जो है कोर्ट ने ये प्रिज्यूम कर लिया कि वाइफ जो है वर्किंग है, जबकि वाइफ बिल्कुल भी वर्किंग नहीं थी। उसने दिखाया कि मैं वर्किंग नहीं हूँ, और हमारे पास भी कोई एविडेंस नहीं था कि वो जो है कार्यरत है कहीं पर भी। हाँ, वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड ज़रूर थी, वो एक अच्छी प्रोफेशनल लेवल पे काम करती थी, पर उसके पास, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था कि वो जो है कहाँ पे कार्यरत है। और आपको कैसे इस ऐसे केसेस से हेल्प मिलेगी जब आपको पता ही नहीं आपकी वाइफ जो है कहाँ पे वर्किंग है? आप कैसे कोर्ट को शो करेंगे कि मेरी वाइफ जो है वो अच्छा खासा कमाती है और अच्छा खासा अर्न करती है, बट आपके पास कोई एविडेंस नहीं है ये चीज़ प्रूव करने के लिए कि वो कहीं पे कार्यरत है? तो कोर्ट कैसे आपकी बात मानेगा, इस पर ये वीडियो है, और जो ये रियल केस स्टडी है ये मैं बताने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं ये केस स्टडी शेयर करूँ, तो मेरे जो वीडियोज़ हैं उसमें इंगेजमेंट मुझे लग रहा है कम आ रही है। आप पहले कमेंट कीजिए कि आप ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं या आपको ये केस स्टडी चाहिए मुझसे, कमेंट, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और उसके बाद मैं ये आपको ये बताऊंगा कि ये केस स्टडी मिलेगी कहाँ और इसके फैक्ट्स क्या हैं। तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। देखिए, केस ऐसा था कि इसमें जो है वाइफ, अगेन वही सेम सिनेरियो कि वाइफ अपने बच्चे के साथ हस्बैंड का घर छोड़ के चली गई, और वाइफ साइड ने मेंटेनेंस के दो केसेस डाल दिए, एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दिया, एक 125 का डाल दिया। अब क्या हुआ कि 125 केस में तो फर्स्ट जई एड इंटरिम मेंटेनेंस बंद गई, क्योंकि बच्चा था, 1 साल का बच्चा था, तो कोर्ट ने बिना इनकम एफिडेविट या बिना सुने मेंटेनेंस बांध दी। और दूसरी तरफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस है जो कि मैं अभी आज डिस्कस कर रहा हूँ, ये केस स्टडी डोमेस्टिक वायलेंस के केस से रिलेटेड है। तो डोमेस्टिक वायलेंस के केस में क्या हुआ था कि वाइफ साइड ने अपना इनकम एफिडेविट डाला, और उस वाइफ साइड ने ये बताया कि मैं वो कहीं पे भी कार्यरत नहीं है, तथा उसके बच्चे को भी प्रॉब्लम है, कुछ मेडिकल इश्यूज है, और ये सब चीज़ें हैं वो जो फेस कर रहा है। हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था। मैंने अपने क्लाइंट को सजेस्ट किया कि आप एक डिटेक्टिव एजेंसी हायर करके आप एटलीस्ट ये तो पता कराओ कि आपकी वाइफ करती क्या है, कुछ काम धाम करती है या कुछ अर्निंग है कहीं ना कहीं से। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था। हमारे पास सिर्फ यही था कि जो रजनीश वर्सेस नेहा के हिसाब से 3 साल का जो है इनकम एफिडेविट जो फाइल किया था, और बैंक स्टेटमेंट जो वाइफ साइड ने फाइल की थी, बस वही हमारे पास एज अ प्रूफ था। उसके अलावा हमारे पास कुछ पुरानी डायरीज थी जिसमें वाइफ साइड ने कुछ क्लाइंट्स के जो उसके पेशेंट के जो एंट्रीज हैं वो की हुई थी। अब उसमें से हमने दोनों को कोरिलेट किया। देखिए, डॉक्यूमेंट पढ़ना आपके केस में कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इस केस से हम समझेंगे। हमने दोनों चीज़ों से कोरिलेट किया। हमने फाइंड किया कि डायरी में जो अमाउंट एंटर किया हुआ था वाइफ साइड ने, वो एक्चुअली उसके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो हमने कोर्ट के सामने ये चीज़ रखी कि देखिए जी, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और जो डायरी की एंट्रीज है बिल्कुल कोरिलेट कर रही है, यानी ये जो है कुछ ऑनलाइन कंसल्टेशन का काम पहले कर रही थी और अभी भी जारी है, क्योंकि ये एंट्रीज दोबारा जो है आई हैं, 2021 में भी आई हैं, मतलब अभी भी वो ऐसा काम कर रही है कि वो ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रही है। और ऑल्दो हमारे पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था कि कैसे वो कंसल्टेंसी बुक हो रही है या किस नाम से वो चीज़ चल रही है, बट हमें एटलीस्ट ये आइडिया हो गया कि बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जहाँ पे वो कह रही है कि बिल्कुल भी काम नहीं करती है, वहाँ पे कुछ एंट्रीज हमें दिखी, और कुछ एंट्रीज जो हैं उसने डायरी में
करी, और वो वही एंट्रीज आगे रिलेट हो रही है। तो हमने ये एज्यूम किया कि वो उसके क्लाइंट्स हैं, उसके क्लाइंट्स हैं जो उसे रेगुलर पेमेंट्स कर रहे हैं मंथ आफ्टर मंथ अपने उस पे। बट वो कितनी इनकम जनरेट हो रही है हमें कोई आइडिया नहीं था, बट हमने ये चीज़ हम कोर्ट के सामने रखी, क्योंकि जो मटेरियल आपके पास होता है वो चीज़ आपको रखनी ही पड़ती है। फिर हमने ये दिखाया कि वाइफ साइड जो है पहले भी कार्यरत थी, और अब क्यों नहीं वो कार्य कर रही है, वो जानबूझ के कार्य नहीं कर रही है या दिखा नहीं रही है, क्योंकि उसे चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस हमारे क्लाइंट से। तो कोर्ट के सामने हमारे पास स्ट्रिक्ट जो एविडेंस, हम कहते हैं कि हमने स्ट्रिक्ट एविडेंस तो नहीं रखा, बट एक सरकमस्टांशियल एविडेंस कोर्ट के सामने, एक तरीके का जो है एक शक हमने पैदा कर दिया कि एक एबल वुमेन जिसके पास बच्चा है, उसे बच्चे की आड़ में ये कह रही है कि वो काम नहीं करती है, जबकि स्टेटमेंट कुछ और कह रही है, वो पढ़ी लिखी है, अच्छा खासा वो कर सकती है काम, और वो पहले भी काम करती थी और आगे भी वो फ्यूचर में मतलब काम कर रही है, बट वो दिखाई या नहीं उसने कहीं पे भी। तो कोर्ट ने उसे एज्यूम किया कि वो जो है काम कर रही है और कम से कम 25,000 रुपये इस काम से कमा रही है। गेस वर्क, जैसे हस्बैंड के केस में कोर्ट गेस वर्क करता है, वैसे ही वाइफ के केस में इस बार गेस वर्क हुआ। यही हमें चाहिए था, 25 से 30 हज़ार उसकी इनकम एसेस की गई, और 25 से 30 हज़ार मेंटेनेंस हमारी कम हो गई जितनी होनी चाहिए थी, यानी 50% मेंटेनेंस होने के बजाय सिर्फ 30% मेंटेनेंस ही लगी ओवरऑल, यानी 30,000 रुपये कम से कम हमें फ़ायदा हुआ इस आर्ग्यूमेंट रखने का, या इस सरकमस्टांस को रखने का कि इसमें जो है हमें मेंटेनेंस का जो फाइनल ऑर्डर ऑर्डर हुआ उसमें कम से कम फ़ायदा हुआ। देखिए, हम अपने क्लाइंट्स को कभी मिसगाइड नहीं करते, हम अपने क्लाइंट्स को हमेशा बता के चलते हैं कि इतनी मेंटेनेंस आपकी बन जाएगी अगर आपने फाइंड आउट नहीं किया कि आपकी वाइफ कहाँ पे वर्किंग है। अदरवाइज हम ये ट्राई कर सकते हैं कि कितनी कम से कम हो। अब हमारा काम यहाँ पे ये है कि हम डॉक्यूमेंट्स को ढंग से पढ़े और उन्हें एनालिसिस करके करेक्ट एनालिसिस जज साहब के सामने रखे। तो हमने करेक्ट एनालिसिस इसमें किया कि जो उसकी स्टेटमेंट थी, बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट थी, और जो उसके जो डायरीज की एंट्रीज थी, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आए वो चीज़ हमने कोर्ट के सामने रख दिया, और कोर्ट कन्विंस हो गए इस बात पे, और यहाँ पे मेंटेनेंस का हमें सीधा सीधा जो है बिल्कुल बेनिफिट देते हुए कम से कम 30% फ़ायदा हमें मिला मेंटेनेंस कम होने का। तो यहाँ पे मतलब ये केस स्टडी मैं पूरी जो है मैंने जजमेंट के साथ, ऑब्वियसली मैं नाम जो है डिस्क्लोज नहीं करना चाहता क्लाइंट्स का, बिकॉज ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, ऑल दो ऑर्डर्स जो है ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होते हैं। तो मैंने जो है इस पर एक आर्टिकल लिखा है, आप ये आर्टिकल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी ही और केस स्टडीज़ आपको सबसे पहले पहुँचे और विद एनालिसिस आपको पहुँचे, उसके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, वो भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहरहाल, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपका क्या व्यू है इस पर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।